सभी का आपके अपने फेवरेट शो के बीपी यानी कौन बनेगा पद्मा पद्म पति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17 तारीख का आज ये दिन है और आप भी बिल्कुल तैयार हैं 10 नए सवालों कर देकर सही जवाब जीत जाने के लिए मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए करते हैं तैयारी से शुरुआत और रिवाइज करते हैं कल की मीठी मुरली को, ताकि हम आराम से उस मुरली को धारण कर सके, उसका स्वरूप बन सके और बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सके। बाबा कहते हैं तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। साथ ही साथ बाबा कहते सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में सदैव ये बात याद रहती है कि धन दिए धन ना खुटे, वह सदैव दान करते ही रहते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, कभी छोटी मोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि समय स्वयं को वनवाह में समझना है, अच्छे कपड़े अच्छे जेवर पहनने का शौक तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, सादगी में रहते हुए चलन बड़ी रॉयल रखनी है। भले हम साधारण रहें लेकिन हमारी चाल चलन संस्कार बहुत ही दिव्य रॉयल होने चाहिए। बाबा कहते हैं छुई मुई ना बनो, मुख से कड़वे बोल भी नहीं बोलने हैं, संजीवनी बूटी से माया पर जीत पहननी है, माया जीत बनना है। और साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा बनना है। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी भी हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। क्योंकि जब स्मृति श्रेष्ठ होती है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होती है, और स्थिति श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं उनका हर कर्म ऊंचा होता है, और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के प्रति कल्याण की भावना है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही संसार में यादगार बन जाते हैं और 2500 साल तक उन्हें पूजा जाता है। बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति को धारण करना है अगर तो उसके लिए सहनशील तो बनना पड़ेगा। तो चले कल की मुरली से तो हमने बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स को कर लिया है रिवाइज, लेकिन बार बार मुरली को रिवाइज करना है अच्छे से, वो आप कर ही रहे हैं तभी हर प्रश्न का देते हैं बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अब बारी आ गई है आज 17/12/2021 की मुरली से रखने की। आपके सामने 10 नए सवाल जिनमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो रहा है। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं, अभी हम क्या बने हैं? चार ऑप्शन, ऑप्शन त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी त्रिनेत्री, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। एंड योर टाइम, 15 सेकंड का टाइम जो आपको मिलता है वो वक्त शुरू होता है। समाप्त हो चला है, सही जो ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आपने पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब पूरी हिम्मत के साथ। तो बाप की मदद भी आपको मिली और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएँ मुबारकें और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ ले ली हैं, पहले प्रश्न में पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, पार कर लिया है पहले प्रश्न को। अब बारी है रखने के आपके सामने आज का दूसरा सवाल। पाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं, यह है संगम युग, इसमें क्या बनना है? चार ऑप्शन, ऑप्शन है मनुष्य से देवता, ऑप्शन बी पतित से पावन, ऑप्शन सी उत्तम थे उत्तम, ऑप्शन डी ऊंचे थे ऊंच। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त, सही जवाब बताते हैं ऑप्शन सी उत्तम थे उत्तम। तो फिर एक बार बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुबारकी जी, दो प्रश्नों का दे दिया है लगातार सही जवाब। तो 20 पॉइंट से संपन्न है आप,
और सिर्फ अगर इस प्रश्न का दिया है सही जवाब तो भी 10 पॉइंट्स आपकी झोली में आ ही गए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो देखते ही देखते 2 प्रश्न 20% खेल पूरा हो चला है। अब बारी है रखने की आपके सामने आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाबा कहते हैं संगम युग पुरुषोत्तम युग है, यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। पुरुषोत्तम युग ही जब है तो फिर पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करके उत्तम से उत्तम पुरुष बन लिया जाए। 21 जन्मों का खेल है तो इसलिए जरूर अच्छा पुरुषार्थ हमें करना है। तो चलिए शिक्षाओं के बाद बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। अभी कौन जानते हो कि हम आए हैं नरसे नारायण बनने के लिए। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए तुम ब्राह्मण, ऑप्शन बी तुम बच्चे, ऑप्शन सी तुम आत्माएं, ऑप्शन डी तुम स्टूडेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार वक्त समाप्त, सही जवाब बताने का वक्त। ऑप्शन डी तुम स्टूडेंट। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को मिल चुकी है, आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार और 30% खेल पूरा हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते ही देखते 3 प्रश्नों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब आपके सामने और आएंगे 7 नए सवाल, जिन नए सवालों का देकर फिर से आपको जीतना है आज मास्टर मुरलीधर का टास्क। तो चलिए रखते हैं 4th सवाल। इस समय पूरा वैशालय है, पापा कर शिवालय बनाते हैं, सारा मदार है किस पर। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी प्योरिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय फिर एक बार समाप्त हो चुका है, बताते हैं सही जो ऑप्शन सी पवित्रता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ जी आप सभी को, बधाइयाँ। 4th सवाल आपके सामने रखा गया था और आपने बिल्कुल दिया है इसका सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। बस इसी उमंग उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर यही उमंग उत्साह बरकरार रहा, यही दृढ़ता की शक्ति आपने अंत तक रखी। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ तो आपको मिल गई हैं और आपने 30-40-20 पॉइंट्स भी बटोर लिए हैं। तो और आने वाले समय में आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुरली को रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। बाबा कहते हैं पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ये पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं, रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है, ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं अगर चाहते हो आंतरिक खुशी में रहना तो ये निश्चय जो बाबा ने बताए हैं सब पक्का कर लो। हम ही तो थे विश्व के मालिक, बहुत धनवान थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा फिर से हमको विश्व की बादशाही देने के लिए पधारा है और हम ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, रचता बाप रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है, ऐसा निश्चय बरकरार रहेगा तो आंतरिक खुशी में झूमते रहेंगे। नहीं तो अभी तक गाते ही आते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अब राह मिली है तो उस पर चलना जरूर है। अब बढ़ते हैं आगे रखते हैं 5th सवाल। शिव भगवान उवाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे, इसने बच्चे किसको भूलो मत। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए रोहिणी यात्रा, ऑप्शन बी पवित्र यात्रा, ऑप्शन सी याद की यात्रा, ऑप्शन डी योग की यात्रा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त हो चला है, इशारा मिला है वक्त का कि वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन सी याद की यात्रा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक है आप सभी को फिर एक बार, क्योंकि 5वें प्रश्न का भी आपने दिया है सही जवाब। और इसी के साथ हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 50% खेल तो पूरा हो गया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
तो चलिए अब बारी है आगे बढ़ने की, रखने की, छठवां प्रश्न। परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है कौन? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी आदिदेव, ऑप्शन सी शिव बाबा, ऑप्शन मीठा बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ फिर एक बार सहज ऑप्शन से शिव बाबा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। फिर एक बार के छठवें प्रश्न का आपने दे डाला है सही जवाब और कर दिखाया है कमाल हिम्मत का काम और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। क्योंकि जहाँ हिम्मत है वहीं बाप की मदद है और बाप की मदद है तो फिर सफलता तो निश्चित ही है। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए बधाइयों को और ऊँची उड़ान देंगे और बधाइयाँ देंगे लेकिन ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते ऊँची प्रालंब बनाना है तो पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि लौकिक में भी होता है अगर पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ते तो ऊँच नौकरी नहीं मिलती है, अच्छा सेटअप नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी ऊँची प्रालंब बनाना है तो पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से पढ़ो, कोई भी बुरा काम बिल्कुल भी नहीं करो, अपना खान पान भी बड़ा शुद्ध रखना है, क्योंकि देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं देवताओं को क्या चढ़ाया जाता है वही खाना है, शुद्ध सात्विक शाकाहारी। बाप की याद में बना हुआ भोजन देवताओं को स्वीकार कराया जाता है, तो हमें भी वैसा ही भोजन स्वीकार करना है, क्योंकि हम ही होवनहार देवताएं, हमारे ही मंदिर हैं, आज तक भक्ति में प्रथा चल रही है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली सर्व के कल्याणकारी आत्मा बने। तो चलिए बहुत सारी शिक्षाएं ले ली हैं, बढ़ते आगे लेते सातवां सवाल। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारा क्या करने कराने। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दुख दूर कराने, ऑप्शन बी सुखी कराने, ऑप्शन सी श्रृंगार कराने, ऑप्शन डी संपूर्ण कराने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार वक्त ने दिया इशारा, वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन से श्रृंगार कराने। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को। बहुत अच्छे से आपने खेल खेला है और 70 पॉइंट्स तक अगर आप पहुंच चुके हैं, 60, 50, 70 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो अपने आप को मंजिल के बेहद समीप समझिए, बस कुछ प्रश्नों की दूरी है और आप मास्टर मुरलीधर का ताज, सिल्वर, गोल्डन या फिर मास्टर मुरलीधर का ताज यहाँ से लेकर अवश्य जाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आठवां प्रश्न आपके सामने। बाप कहते हैं क्या धारण करो नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पवित्रता, ऑप्शन बी दिव्यता, ऑप्शन सी देवी गुण, ऑप्शन डी श्रीमत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त, सही जो ऑप्शन सी वेरी गुड। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ कि आपने फिर से कर दिखाया है हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 80 पॉइंट्स तक आपके पास आ गए हैं तो सिल्वर क्राउन आपका हो चुका है। तो बधाई हो, बधाई हो, ताज मिलना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे सिल्वर मिले, गोल्डन मिले या फिर मास्टर मुरलीधर का, लेकिन प्रयास हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखते हुए करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए बारी आ गई आगे बढ़ने की, रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प संस्कार दिखाई ना दे, तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। और अगर देह भान से परे जाना चाहते हैं तो चित्र को ना देखते हुए चेतन और चरित्र को देखो। तो चलिए बहुत मीठी शिक्षा है, बढ़ते आगे, रखते हैं नौवां सवाल आपके सामने।
अपनी ऊंची क्या बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। चार ऑप्शन, ऑप्शन स्थिति, ऑप्शन स्मृति, ऑप्शन सी प्रारब्ध, ऑप्शन डी तकदीर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब ऑप्शन सी प्रारब्ध। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है फिर एक बार आप सभी को कि आपने कर दिखाया है फिर से एक बार कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, बधाइयाँ तो बहुत सारी आपने ले ली हैं और अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन भी आपका हो चुका है। तो मुबारक हो जी। अब बारी है आज के अंतिम सवाल को आपके सामने रखने की और इंतजार को खत्म करने की। तो रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम सवाल। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के क्या? चार ऑप्शन, ऑप्शन कल्याणकारी भव, ऑप्शन बी शुभचिंतक भव, ऑप्शन सी विश्व कल्याणकारी भव, ऑप्शन डी दल तक नशीन भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त तो समाप्त हो गया है। सही जो ऑप्शन ए कल्याणकारी भवा। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाई, मुबारक हो, मुबारक हो। तो पूरी ही टीम की तरफ से भी आप सभी को मिलता है सुंदर सा ताज। अगर 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका, 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका, और अगर आपके पास 100 पॉइंट्स है तो फिर क्या कहने, आपके पास तो मास्टर मुरलीधर का ताज आ चुका है। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। साथ ही साथ जीतने वाले सभी भाई बहनों को मिलता है ये सुंदर सा गुलदस्ता भी हमारी तरफ से। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को इतना सारा भगवान ने दिया है प्यार और आपको बस ऐसे ही बढ़ते जाना है आगे बारंबार। तो चलिए, आपके लिए इतने सारे हमने फूल भी भिजवाए हैं और ताज तो आपको मिला ही है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो अब हमें आपने तो इतनी सारी दुआएं कमा ली हैं, बाप का हाथ भी आपके साथ है, तो इसलिए दिल से दुआएं लीजिए और दिल से बाबा का शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। शुक्रिया के गीत गाते रहने से सब कुछ अच्छा होता ही रहता है। अच्छा, हम लेते हैं छुट्टी, फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान बांटते रहिएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।